नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पे खड़े हुए हैं, थाना मटेरा में पड़ता हुआ करणपुर गांव, जो कि यहां पर लॉकडाउन का इतना बड़ा असर आपको दिख रहा है। यहां से इसके बाद से यहां से श्रावस्ती पड़ता है, जो कि यहां से आने जाने नहीं दिया जाता है आप। और इस वक्त मटेरा के बॉर्डर पर जस्ट एकदम आने के ही हम खड़े हुए हैं, और यहां पर जो ना ही वहां से किसी को आने दिया जाता है, ना यहां से किसी को जाने दिया जाता है। कुछ हमारे साथ इसी जुड़े हुए हैं सर, उन्हें इसे बातचीत करना चाहते हैं। सर ये बताइए, शुभ नाम बताइए सर। डॉक्टर दिवाकर को सर ये बताइए, जिससे को अगर जनपद बहराइच से यहाँ इधर आता है जनपद श्रावस्ती में, तो वहाँ से यहाँ से इधर से जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता? बिल्कुल, सभी लोगों को पूर्ण तरीके से बॉर्डर का सील कर दिया गया है जी। जो लोग आवश्यक पास है, आवास और पास को देखने के बाद पास वेरीफाई किया जाता है जी, जो पूरी तरीके से वेरीफाई होता है पास, तो उन्हीं को क्रॉस किया जाता है, उन्हीं को पास किया जाता है। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद जो पूरी तरीके सही पाए जाते हैं तो आगे जाते हैं जी। क्या यहाँ मटेरा के कभी कभी देखने के लिए आते हैं इधर कि नहीं आते हैं? मटेरा चौकी के हाँ आते हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई, इन्होंने बताया कि बहराइच से कोई भी व्यक्ति जनपद श्रावस्ती में नहीं जा सकता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच थाना मटेरा के अंतर्गत हरबसपुर चौराहा पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किस कदर पालन हो रहा है देखिए, किस तरीके से यहाँ पर ना ही यहाँ पर कोई आम नागरिक आ सकता है, ना कोई जा सकता है। यहाँ जस्ट ही बॉर्डर जनपद श्रावस्ती में पड़ता है और इस इधर जनपद बहराइच में पड़ता है। यहाँ पर अगर किसी के पास है तो इधर अंदर आते हैं, अगर किसी के पास पास नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन के जवान, मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या है पूरा मामला, क्या इधर से कोई जाता है जनपद श्रावस्ती में से कि नहीं जाता। स्टॉप करिए सर, इसका शुभ नाम क्या पड़ता है? हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश तिवारी। हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश सिंह तिवारी। तिवारी यहाँ पर सर बताइए, क्या यहाँ से कोई में जाता है या श्रावस्ती से? श्रावस्ती जनपद से ये बॉर्डर है, बॉर्डर जनपद बहराइच और श्रावस्ती बॉर्डर है जी, ये लास्ट बॉर्डर है, यहाँ बस कुछ चौराहा है जी। यहाँ से जो लोग निकलते हैं, जिनके पास पास है जी, या कोई बीमार है जी, कोई डॉक्टर साथ में जा रहा है या कोई एम्बुलेंस है, उसके पास मौजूदा नहीं प्रॉपर कागज है, पेपर है तो जाता है और नहीं तो अंदर नहीं जाता। ये इस बॉर्डर से कहाँ कहाँ पड़ता है सर? ये बॉर्डर थाना मटेरा पड़ता है। थाना मटेरा पड़ता है जी। चलिए ठीक है, अभी हाल ही में जनपद बहराइच में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जनपद श्रावस्ती में 3 पॉजिटिव मिले हैं। चलिए, कैमरामैन सोनू सिद्दीकी के साथ इस्माइल अंसारी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आरए लाइव 100 न्यूज पर। मैं इस्माइल अंसारी। कानून न तोड़ेंगे न तोड़ने देंगे, हमारी जीत रहे शपथ है, इसलिए खबरों की रफ्तार न थमती है न रुकती है, जिसका कोई बात न रुकता है न झुकता है। अब होगा सीधा प्रहार, अब होगा हर सवालों का जिसका आज तक नहीं मिला जवाब, क्योंकि जब देश पीड़ित होगा तब देश का विकास कैसे होगा। चुप्पी तोड़नी होगी, अब देश जाग चुका है, अब देश हमारे साथ बोलेगा। स्पेशल प्रोग्राम हर रोज शाम 8 बजे पीएम इंडिया, जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा।